शहर में धुंध सूरत हाल ये है कि हद निगाह में कमी के बायस परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है। अबू धाबी से आने वाली परवाज EY241 को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या डिटेल्स हैं मजीद? हद निगाह के बाईस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में जदीद दुश्वारी का सामना है वो दरपेश है, जिसके बाद अबू धाबी से आने वाली परवाज EY241 को जो है लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड की इजाजत है वो नहीं मिली। और ATC के काम के मुताबिक परवाज जो है वो फजा के अंदर ही चक्कर लगाने पर मजबूर रही, जिसको अब जराये के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ उसका रुख है वो मोड़ दिया है। जबकि दोहा से आने वाली कतर एक परवाज QR620 को भी लैंडिंग की इजाजत ना मिलते हुए तो पहले तकरीबन 5 से 10 मिनट फजा के चक्कर लगाए गए। अब जराये के मुताबिक दोनों परवाजों को जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। ATC हकाम के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट हमले के ऊपर हद निगाह इस कदर नहीं के तैयारों को लैंडिंग की इजाजत से वो दी जा सके। और दूसरी तरफ जो जदीद ILS CAT-3 सिस्टम था वो भी मरकजी रनवे की मरम्मत के बायस ताहाल फंक्शन है वो नहीं हो सका, जिसके बाद दोनों परवाजें हैं वो रात गए तेज धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया।